गाइस कैसा आरोप करता। एकदम बढ़िया हो गया। मैं भी एकदम बढ़िया। और अभी टाइम हो रहे हैं अराउंड 4:23, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं उठा हूँ, क्यों आप सोच रहे हो क्या ही पागल बंदा है, कभी कितना लेट, कभी इतना जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर देता है। तो अब मेरा आज का दिन, हाँ जी, अभी शुरू हुआ है, तो इसीलिए मैं अभी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो अभी जाते हैं, नहाते हैं और निकलते सीधा मंदिर। और मैं जल्दी ही जाता हूँ, आज तो फिर भी थोड़ा लेट हो गया। महाशिवरात्रि वाले दिन तो मैं 4 बजे पहुँच जाता हूँ, और मैं बाद में नहीं जाता क्योंकि बहुत क्योस भीड़ होता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। शांति में जब खाली हो मंदिर तब जाओ, थोड़ा सा मन का पीस, और ऐसा बटोर के वापस आओ। तो इसी की, और हाँ, रात में ये देखो अपलोड पे लगा के वीडियो में छोड़ दिया था। अभी निकलते हैं और अभी जाते हैं मंदिर और करते हैं बम भोले, हर हर महादेव। तो गाइस नहा धो के डन, और अभी जा रहे हैं हम मंदिर की ओर। हल्की हल्की सुबह हो गई, उजाला सा भी हो गया है, और मतलब एक तरफ ऐसा थोड़ा सन का थोड़ा लाइटिंग से दिख रही है, दूसरे साइड मतलब चांद भी दिख रहे हैं। तो ये टाइम बड़ा अनोखा ही टाइम होता है पूरे दिन। इधर ही थोड़ा है, इधर किशनगढ़ की गलियाँ थोड़ा बहुत, हमारे इधर अच्छा है, ये तो बाहर ही मैरोली पड़ जाता, हमारे इधर मस्त है। तो अभी निकलते हैं, पहुंचते हैं सीधा मंदिर और आपसे मिलते हैं बाद में। बाय गाइस। ये देखो कैमरे में कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, बट हाँ उजाला हो गया, थोड़ा थोड़ा चांद नहीं दिख रहा यार, चांद यहीं दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लगता है छुप गया। और सुबह काफ़ी लोग जग जाते हैं भाई साहब, इतने ज़्यादा मतलब आते हैं मंदिर, अच्छे खासे लोग आ जाते हैं इस टाइम पे। महाशिवरात्रि वाले दिन तो 5 बजे भी भीड़ हो जाती है, आज थोड़ा लेट हो गया। महाशिवरात्रि वाले दिन हार्डली 4:30 तक मैं वापस मतलब चला जाता हूँ मंदिर, क्योंकि फिर भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है। अभी निकलते हैं घर, भोले बाबा को जल वल चढ़ा दिया हमने। सावन का पहला सोमवार सफल रहा हमारा, मेरा दिन तो यहीं शुरू हो गया मतलब, और यहीं खत्म हो गया। इससे आगे इस दिन में तो कुछ नहीं चाहिए, भोले बाबा से ऊपर और उनसे बढ़ के और क्या ही चाहिए होगा। गाइस मंदिर से आके लेटा था, और लेट के ना एक रील चलाई मैंने, और फिर जब मैंने बाहर देखा तो सुबह हो गई। तो रील का कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। मम्मी भोले चटोरे खाने का मन कर रहा है, सुबह सुबह ही खाते हैं। हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, वाओ। हेलो गाइस, थोड़ा मम्मी को मनाना पड़ेगा भोले चटोरे के लिए, जाते हैं भोले चटोरे ले के आते हैं, चटोरे भोले चटोरे। गाइस कहाँ एक थे पापा के घर आटे भाई साहब, गाइस कहाँ छोले भटूरे की क्रेविंग हो रही थी, गया कोई सा नहीं खुला था, कुछ नहीं खुला था, सब छोले भटूरे वाले बंद थे, ब्रेड से काम चला रहे हैं, वो भी ब्राउन। राघव क्या हो रहा है तुझे, है रुकने दो मिनट, बात तो कर, कहाँ भाग रहा है। हेलो गाइस, उठ गए फाइनली, वो लेट सोए थे, चक्कर में लेट उठे हैं आज बहुत ज़्यादा। और उठते ही सीधा आपको पता है हम कहाँ हैं, लैपटॉप के आगे। इतनी बढ़िया नींद आ रही थी ना, इतनी बढ़िया नींद आ रही थी आज, मतलब सैटरडे होना चाहिए था, मैं सोता रहता जी भर के, सोता सैटरडे और संडे ऐसा होता जल्दी नींद खुल जाती, पता नहीं क्यों अभी भी इतना ज़्यादा नींद हो रहा है ना। सब इतने प्यारे प्यारे स्कूल के सपने आ रहे थे मेरे को, पता नहीं क्यों, स्कूल में था कभी कहीं कभी कहीं, मेरी आत्मा घूमना चाहती है बाहर, मेरे को आज संदेश मिला है ऐसा, जो मेरे इनर सोल है ना वो चाहती है कि मैं बाहर जाकर घूमूं, मेरे को प्लान करना पड़ेगा लगता है, क्या है अंदर की सुननी चाहिए, इसीलिए समझ रहे हो तुम। नींद सा आ रहा है ज़्यादा, चाय वाय पी थोड़ा कड़क एकदम दिमाग को जगाते हैं। तो गाइस इट्स फाइनली टी टाइम एंड रिजल्ट का टाइम, इसका स्कूल पिन सब आ गया है, फाइनली अब रिजल्ट देख डालते हैं हम, भी मजा आएगा ना भीड़ो पेले चिन्नागी निगाली। गाइस सॉरी, आज फिर से रिजल्ट नहीं आया, इसका सिर्फ स्कूल पिन आया था, बेवकूफ भगा हुआ है मेरे पास, कहता भाई रिजल्ट आ गया। अभी मैं बहुत कोशिश किया रिजल्ट फेच करने की, एरर आ रहा था, मैं टीचर से पूछा कि मैम क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला रिजल्ट आएगा तब ना आएगा, ये आदमी मेरा फुद्दू बनवा दिया, लेटा के बीच सर पर डम्बल गिरा दूंगा तेरे में भी सीधा। किसी को चाहिए क्या ये, ले जाओ फ्री में, वापस भी मत देना कभी नहीं, प्लीज ले जाओ, परेशान करें ना तो उल्टा लटका के मार, बेनिफिट दे रहे हैं आप, जैसे होता है ना बेनिफिट ऑफ डाउट, हम बेनिफिट ऑफ लट दे रहे हैं आप। गाइस ये राघव का आधार कार्ड, ये राघव, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट, क्या जिंदा तस्वीर बना दी है देखना, एकदम सेम टू सेम, चाह के भी कोई इतना रियल नहीं बना पाता। राघव कुछ कुछ कर दो, कुछ एंटरटेनिंग करके दिखाएगा आज, ये देना फर्स्ट बेंचर, ये कैसी हुआ करती थी पता है आपको, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, टीचर जैसे फट दिन डस्टर निकाल के दे देती थी, चौक पकड़ा देती थी, पता है एकदम जो प्रॉपर ऑथेंटिक फर्स्ट बेंचर होते ना ये वो थी, ऐसी टीचर है ना फट दिन चौक निकाल के मैम चौक चपड़ चपड़ कर रहे ना पीछे तुम्हारा दिख रहा है, मेरा ये कितने कैसे पकड़ेगा कान, क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ बोले जो कर सके। हम भी बचपन में मम्मी के पास भागते थे, पापा बोले
जल्दी आ, कहाँ गया था तू, जल्दी बता। वाइपर बराबर लगा रहा है। जाएगा बाहर? नहीं जाएगा ना, जाएगा आ यहाँ जा। फिर जाएगा मम्मी के पास, फिर जाएगा मम्मी के पास। तेरी कान में लग रहा है। गुड बॉय। अब वो मेरी कस्टडी में है। इधर आओ, इधर आओ। क्या चमचा आदमी है, जैसे थोड़ा भाव मिला फिर वहाँ चला गया। इधर आओ। हाँ बोलो। हाँ रोटी खा लिया? कंगी साइड करो ना, उसको डर लग रहा है। बेबी नहीं मारेंगे अपने टाइशु को, बाहर नहीं जाना बेटा। राघव को खा जा, इसको इसको मार के खा जा। बताओ कंगी से मारता है, वो कंगी ही तोड़ेगा। गलत जगह, गलत जगह जा रहा है। बैठो, बैठ जा सीट को, मतलब बैठो। सेम बिरादरी वाले करके दिखाएंगे तुझे, वैसा करके दिखा। सिर्फ पापा को हेलो करता है। हेलो करो मुझे, पापा टूट जाए। हेलो करो, ये देखो फट देनी पापा खा। हेलो कैमरा ऑन होता है। ये जे बात चमचा दे पर्स पर घंटे ज्यादा सो गए। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्या मशरूम जैसे बाल लग रहे हैं मेरे को, वो स्ट्रेंजर थिंग्स में विल नहीं होता है वैसे तो लग रहे थे ऐसे, अच्छी बेकार लगते मेरे को बहुत ज्यादा। या गाइस तो बैक कुछ कॉल आ गया था, तो आज की वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, दबा के शेयर करो एकदम बहुत ज़्यादा, ऐसा नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, बाय।